वो लंबे समय से इंतज़ार था कि बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट बने और वहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो, क्योंकि बाड़मेर में बहुत ही आवश्यकता थी। वहाँ से तेल का दोहन होता है वहाँ पर, और इसके साथ ही रिफाइनरी का बाड़मेर में जल्दी प्रारंभ हो जाएगी, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी है, और सेना का बड़ा वहाँ पर मूवमेंट होता है, सैनिक भी वहाँ से अन्य राज्यों के अंदर जाते हैं। तो इसलिए बाड़मेर ज़िले को बहुत आवश्यकता थी और हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज ये सफलता मिली है। अब बहुत जल्दी उतरलाई बाड़मेर से हवाई यात्रा प्रारंभ होगी, और जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, और हमारे जो सिविल एविएशन के मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये यात्रा प्रारंभ होगी और जल्दी उतरलाई के अंदर एयरपोर्ट स्थापित हो जाएगा। आज पूरे बाड़मेर जिला ही नहीं, वहाँ रहने वाले और बाहर रहने वाले लोग भी इस आदेश को सुनने के बाद में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और जैसा कि वहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। तो ये सारी कुल मिलाकर एक बहुत लंबे वर्षों से इंतज़ार था, और इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त हुई, और बहुत जल्दी वहाँ से हवाई उड़ान पूरे देश ही नहीं विश्व के अन्य देशों के अंदर भी जाएगी, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मैं बाड़मेर की जनता और सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा। वहाँ पर तेल निकलता है, वहाँ पर जैसा कि केन के द्वारा भी वहाँ पर बड़ा मूवमेंट होता है, लंबे समय से मांग थी, और सबसे बड़ा वहाँ से जो सिपाही है या सेना के अधिकारी हैं वो उत्तरलाई जो बाड़मेर पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ से कई वर्षों से हमें सैनिक भी कह रहे थे कि हमारे वहाँ पर एयरपोर्ट बने, और साथ ही रिफाइनरी जो 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी 24 तक, तो वो रिफाइनरी भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज और वहाँ पर बाकी अन्य टूरिस्ट का भी है, टूरिज्म के दृष्टि से भी वहाँ पर मांग थी। तो ये मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा जो आने वाले समय में इसका लाभ होगा, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी वहाँ पर, टूरिस्ट में भी, और आवाजाही की आने जाने की भी सुविधा होगी। तो इस दृष्टि से ये एयरपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी थी, और आज ये उड़ान योजना के तहत वहाँ पर स्वीकृति मिली है, और जल्दी एयरपोर्ट वहाँ पर तैयार हो जाएगा, तो इसका फिर आने वाले कल के अंदर इसका लाभ सबको मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मंत्रालय को और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी, बस एक आखिरी सवाल कि ये हम एडवांस हमने तैयारी कर ली थी कि जैसे ही परमिशन मिले तो उसके बाद में तुरंत इसका काम शुरू हो जाए। तो मैं अन्य मंत्रालय और सिविल एविएशन के मंत्री जी से भी संपर्क में था और अधिकारियों से कि वो तुरंत हो, तो इसकी दृष्टि जल्दी इसका टेंडर भी हो जाएगा, सारी उसका पूरा पहले से ही तैयारी हमने कर रखी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सौगात है वो मिलेगी, और जल्दी ये एयरपोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और काम रन में शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा।